उन्होंने खड़े होकर फोटो खिंचाया, बैठ के फोटो नहीं खिंचाया। लेकिन वो कहा तो जाता है कि वहाँ पे बैठ के फोटो खिंचवाते हैं, आपने बताया? जी मैंने बताया था उनको, बट देवर हैप्पी टू स्टैंड, तो उन्होंने खड़े होकर फोटो खिंचाना उचित समझा। आई थिंक मिसेस ट्रम्प ने शायद थोड़ा सा जानकारी ली थी इसके बारे में, लेकिन मिस्टर ट्रम्प को इतना पता था मतलब ये ताजमहल है, वन ऑफ द सेवन वंडर्स है, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी और क्यों बनाया, कब बनाया, ये सब शायद उनको नहीं पता था। कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी से बहुत इम्प्रेस थे और उनकी बड़ी तारीफ की उन्होंने, और वो अभी जो गुजरात में शो करके आए हैं और उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि इतना बड़ा जन समूह उन्होंने एक साथ अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा। दिस इज द बिगेस्ट इवेंट वी एवर हैड, ये उनके शब्द थे जो मैंने आपको बताया। उनको मैंने बोला कि ये ताजमहल जो है प्रेम का मकबरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप, क्योंकि दोनों यहाँ पे आए हो और आप पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट हो जो अपनी बीवी के साथ ताजमहल में आए हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों डायना बेंच जो सेंट्रल टैंक है वहां से वहां तक आप लोग एक साथ हाथ में हाथ डाल के वॉक करते हुए वहां तक जाएं, उसको फील करें। तो फिर उनको मैंने थोड़ा सा खाली समय दिया कि आप खुद से अपना टाइम एंजॉय कीजिए, मैं ये चाहता था कि वो वहां तक जाएं और उसको फील करें इतनी दूर आने के बाद में। तो वो एक खास लम्हा था उनके लिए, और वहां से जब उन्होंने अपनी वॉक पूरी की तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि वी आर जस्ट अमेज्ड, वी आर सो हैप्पी थ्रिल्ड दैट वी आर हेयर।